अभी हाल ही में लाहौर एवं बाघा के मध्य परिचालित होने वाली शटल ट्रेन सेवा का कितने वर्षों बाद पुनः परिचालन शुरू हुआ है? तो ये जो है वो 22 वर्ष बाद जो है वो क्या कहते हैं पुनः परिचालन शुरू हुआ है। और यहाँ पर लाहौर एवं वाघा बॉर्डर जो है ये किस लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष के प्रत्येक दिन सूर्यास्त से ठीक पहले भारत एवं पाकिस्तान के बीच वाघा बॉर्डर पर झंडा उतारने की रस्म होती है, जिसे लोअरिंग सेरेमनी के नाम से जाना जा सकता है जाना जाता है। यहाँ पर सवाल यही पूछा जा सकता है कि लोअरिंग सेरेमनी क्या है? तो लोअरिंग सेरेमनी भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, बॉर्डर पड़ता है, उसका नाम है वाघा बॉर्डर। वहाँ पर जो झंडा उतारने की रस्म होती है प्रत्येक दिन होती है सूर्यास्त से ठीक पहले, उसे ही जो है लोअरिंग सेरेमनी कहते हैं। और ये 22 वर्ष बाद जो है पुनः क्या कहते हैं बस सेवा का परिचालन शुरू किया गया है। और अगली न्यूज है कि हाल ही में जो पुर्तगाली प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे उनको लेकर के है। और यहाँ पर देखते हैं कि 19 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर रहे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पर नाम पूछा गया है। और ये नाम बहुत ही पूछा जाता है डेट के साथ में, कई परीक्षाओं में, स्टेट पीएससी की परीक्षाओं में, यहाँ तक एसएससी की परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो डेट बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए नाम के साथ साथ में। तो 19 से 20 दिसंबर 2019 के मध्य में पुर्तगाली प्रधानमंत्री जो भारत की यात्रा पर आए थे उनका नाम था एंटोनियो कोस्टा, उनका नाम था एंटोनियो कोस्टा उनका नाम था। और यहाँ पर एक है हैजा को लेकर के WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ सवाल बने हैं। देखते हैं कि 19 नवंबर 2019 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हैजा से संबंधित रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार इस बीमारी के मामले में वर्ष 2018 के मुकाबले 2019 में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। तो 2018 के मुकाबले 2019 में जो कमी दर्ज की गई है वो 60% की कमी दर्ज की गई है। हैजा को लेकर के 2017 में WHO ने एक रणनीति बनाई और रणनीति के तहत कि 20 देशों में 2030 तक हैजा से होने वाली मौतों में 90% की कमी लाना और इस बीमारी को आगे फैलने से रोकना था। इस कंटेंट को बताने का मेरा उद्देश्य है, चूंकि यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं WHO के अनुसार 90% तक की कमी लाने के लिए कौन सा सत्र टारगेट किया गया है। तो ये 2030 है, 2030 को जो है WHO ने टारगेट किया है। और अगली न्यूज राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को लेकर के है। देखते हैं यहाँ से बनने वाले जो सवाल हैं कि 17 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य जो है वो सही नहीं है। तो पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं, पहला है कि इस मिशन का दृष्टिकोण डिजिटल ढांचे के त्वरित विकास, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तिकरण तथा समावेश पर आधारित है। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है, इस मिशन का उद्देश्य 5 सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है, इसकी व्याख्या भी हम आगे देखते हैं क्या है। और उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट इसका सी है, इस मिशन का लक्ष्य सभी गांवों में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करना है। ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। और अंत में है, इस मिशन के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करने हेतु राइट ऑफ वे मॉडल विकसित किया जाएगा। तो डी स्टेटमेंट सही है और इसका बी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इस मिशन का जो उद्देश्य है वो मूलतः 3 सिद्धांतों पर आधारित है, 5 सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। और ये 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये है सभी के लिए उपलब्धता, गुणवत्ता युक्त सेवा एवं किफायती सेवा पर आधारित है। तो ये 3 सिद्धांत इसके हैं, 5 सिद्धांत नहीं है। और ब्रॉडबैंड का देखिए मतलब ये होता है जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं इंटरनेट सुविधा है, तो उस इंटरनेट सुविधा को जो है मजबूत बनाने के लिए ब्रॉडबैंड सिस्टम अपनाया जाता है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से क्या कहते हैं उसका जो है विस्तार किया जाता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर के है, जो कि सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। और यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए कि अधिनियम और विधेयक में अंतर क्या होता है। दरअसल कोई भी जब क्या कहते हैं प्रस्ताव होता है, हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है, जिसमें से राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो जब कोई प्रस्ताव क्या कहते हैं कि राज्यसभा में लाया जाता है या लोकसभा में लाया जाता है और जब वहाँ पर पारित किया जाता है तब वो विधेयक का रूप लेता है। और जब राज्यसभा से मान लीजिए पारित हुआ क्या कहते हैं लोकसभा से पारित हुआ राज्यसभा में गया, या राज्यसभा से पारित हुआ लोकसभा में गया, तो जब पारित होने के बाद में वो विधेयक बनता है। और जब पारित होने के बाद में जब वो राष्ट्रपति के पास जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी साइन कर देते हैं, तब वह अधिनियम बन जाता है, तब वह कानून बन जाता है। तो इसी प्रकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम भी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, और यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन इसमें जो है वो सही है। पहला है कि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अधिनियम को मंजूरी दी। तो मैंने अभी अभी बताया कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है, यानी कि अधिनियम तभी विधेयक, कोई विधेयक तभी अधिनियम बनेगा जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। तो ये स्टेटमेंट इसका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 12 दिसंबर 2019 को ही राष्ट्रपति ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 5 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। तो 5 नहीं है ये, बल्कि 6 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कहते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 कंट्रीज़ तो हैं, लेकिन वहाँ पर जो क्या कहते हैं समुदाय बताए गए हैं वो 6 समुदायों के बारे में बताया गया है, 5 नहीं बताया गया है। 6 समुदाय कौन कौन से हैं, वो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। परंतु तीसरा स्टेटमेंट जो है कि इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस अधिनियम से जुड़े क्या कहते हैं और भी तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यह विधेयक देखिए
9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों डेट महत्वपूर्ण है कि 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद में यह अधिनियम या विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से क्या कहते हैं अधिनियम क्या कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में संशोधन करता है। वहाँ पर क्या कहते हैं सन बदल सकते हैं, 55 है, 56 हो सकता है, 57 हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो सही होगा वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में क्या कहते हैं संशोधन करता है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम MPPCS के सिलेबस में स्पेशल प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन है, वहाँ पर अवश्य ये पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर और कंटेंट देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से 6 समुदायों हिंदू सिख जैन बौद्ध और पारसी व ईसाई से जो भी संबंध रखता है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आए हों जिन्हें भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट एक्ट अधिनियम 1920 अथवा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत छूट मिली हो वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो 31 दिसंबर 2014 और उसके बाद में भारत सरकार द्वारा पासपोर्ट एक्ट 1920 और विदेशी विषयक अधिनियम 1946, ये तीनों स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर एक बात और है, क्या कहते हैं कि अधिनियम के तहत जो है समूह के लोगों के देशीकरण की अवधि को 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया है, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में देखते हैं कि इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6 अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर तो ये जो 6 अनुसूची, देखिए कभी कभी परीक्षा में यही पूछा जाता है कि 6 अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र शामिल हैं इसमें, तो वो लागू नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से आदिवासी क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए जैसे इन आदिवासी क्षेत्रों में कार्बी एंगलोंग जो कि असम में है, गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र आदि जिले इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम बंगाल पूर्वी बंगाल सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत इनर परमिट लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो 6 अनुसूची में शामिल जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं होगा। उसके बाद में पूर्वी बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम क्या कहते हैं कि जो पूर्वी बंगाल सीमांत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो इनर परमिट लाइन जारी की गई है वहाँ पर भी लागू नहीं होगा। दरअसल इनर परमिट लाइन जो होती है वो किसी राज्य में पर्यटन को लेकर के होती है, तो वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र है इसलिए इनर परमिट लाइन जारी किया जाता है सरकार के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई आइलैंड है, जैसे अभी हाल ही में एक अंडमान निकोबार आइलैंड में सेंटिनल द्वीप था, तो वहाँ पर जो है एक पर्यटक की जो है वो आदिवासियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वो इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि सरकार के द्वारा जो इनर परमिट लाइन जारी की गई थी उस परमिट लाइन को वो क्रॉस कर गए थे, तो वहाँ के आदिवासियों ने उनको मार दिया था। तो इस प्रकार से किसी भी राज्य में जाने के लिए एक इनर परमिट लाइन सरकार अपने समय समय पर जारी करती है, तो ये वही इनर परमिट लाइन है जो पर्यटन को लेकर के होती है। यहाँ पर देखते हैं कि इनर परमिट लाइन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में भारतीयों की यात्रा को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं इनर परमिट लाइन में, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। एक है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि उल्लेखनीय है कि इनर परमिट लाइन IPL विनियम 1873 के अंतर्गत जारी किया जाने वाला एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद में भारत में नागरिकों के लिए बने इनर परमिट लाइन इस विनियम को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, तो ये अंग्रेजों के समय से ये क्या कहते हैं जारी है। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है, ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना द्वारा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम अधिनियम 1873 की प्रस्तावना को बदल दिया है, जिसमें अब मणिपुर को भी जो है IPL स्टेट में शामिल कर लिया गया है। और अगला सवाल देखते हैं कि नवंबर 2019 में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस स्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं भारत के जो संस्थान है देखते हैं कि IIT बॉम्बे को 34वां स्थान, IIT दिल्ली को 43वां स्थान और IIT मद्रास को 50वां स्थान। वहीं पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो कि बेंगलुरु में है उसको 51वां स्थान, IIT खड़गपुर को 56वां स्थान और IIT कानपुर को 65वां स्थान। वहीं रुड़की IIT को 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो पहला स्थान जो प्राप्त वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को QS एशिया QS रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में प्राप्त हुआ है। और अगली न्यूज मिशन इंद्रधनुष को लेकर के है। देखते हैं कि 2 दिसंबर 2019 को सघन टीकाकरण मिशन इंद्रधनुष की पूरे देश में शुरुआत की गई और इस मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष का यह चरण मार्च 2021 तक संचालित होगा। तो पहला स्टेटमेंट इसका तुरंत गलत है क्योंकि 2021 नहीं है, वो मार्च 2020 है। मार्च 2020 तक जो है वो पहला चरण इसका संचालित होने जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य 27 राज्यों के 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना है। तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। देखिए 2.0 जो ये लिखा है इसका मतलब ये होता है, क्या कहते हैं, जब कोई नई है क्या कहते हैं संस्करण उसमें जोड़ा जाता है तब उसका मतलब होता है कि उसको क्या कहते हैं योजना में जो है या इकोनॉमी की भाषा में या योजना की भाषा में सरकारी डेटा में उसको 2.0 से इंडिकेट करते हैं या 0.0 लगा करके उसका इंडिकेशन किया जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्टेटमेंट जो है कि सघन मिशन इंद्रधनुष 4 चरणों में संचालित होगा। सघन मिशन इंद्रधनुष 4 चरणों में संचालित होगा, तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। उसके बाद में मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत आगामी 4 महीनों के दौरान 1,00,000 बच्चों और 30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। और एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर ये है 1,00,000 बच्चों और 30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, वो भी कितने समय में, 4 महीने के अंदर, तो ये स्टेटमेंट इसका सही है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कि
इस क्या कहते हैं टीकाकरण के अंतर्गत कितनी बीमारियां आती हैं। देखिए केंद्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों, यहाँ पर ये डेटा पर ध्यान देने की जरूरत है, 2 वर्ष से कम आयु के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस बी से बचाव हेतु टीका लगाना है। और इसके अतिरिक्त जो है इन चयनित क्षेत्रों में और 2 बीमारियां हैं, इंसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएंजा से बचाव हेतु टीके लगाने की बात कही जा रही है। अभियान के तहत 12 बीमारियों से बचाव हेतु जो है वो टीकाकरण किया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जब योजना शुरू की गई थी तो वो इंद्रधनुष थी, और इस बार की जो योजना शुरू की गई है वो सघन मिशन इंद्रधनुष वो 2.0 है। तो 2.0 का मतलब ये होता है कि जब उसमें कोई नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं, जैसे इस बार का कोई और लक्ष्य निर्धारित किया।